हाय गाइस, कैसे आप लोग सब? आशा करते हैं कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। सो आज के इस वीडियो में मैं एक होममेड शैम्पू बनाकर आपको बताने वाली हूँ। तो बहुत ही इजी है बनाना इसको और बहुत ही झटपट बन जाता है। आप पहले देख लीजिए कि कैसे हम बनाएंगे, उसके बाद हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट है इस शैम्पू को बनाने के लिए, ये है मूंग दाल। ये इसका की इंग्रेडिएंट है और मैंने पहले भी एक शैम्पू शेयर किया था जो कि काफ़ी बेसिक था और उससे थोड़ा बहुत ड्राइनेस आ रहा था, लेकिन ये जो पैक है ये उस ड्राइनेस को थोड़ा बहुत कवर अप करेगा क्योंकि इसमें मैंने कुछ नेचुरल मॉइस्चराइज़र इंक्लूड किया है। अगर आप चाहते हो तो आप मेरा पहले वाला मूंग दाल शैम्पू भी चेक कर सकते हो, वो भी काफ़ी अच्छा है और ये वाला पर्टिकुलरली बोथ ऑयली स्कैल्प एज वेल एज ड्राई स्कैल्प के लिए अच्छा है। जिनको पता नहीं उनको मैं बता दूँ, मूंग दाल एक बहुत अच्छा नेचुरल क्लेंजर है। ये हमारे स्कैल्प से गंदगी और टॉक्सिन, डेड स्किन एज वेल एज डैंड्रफ को भी हटा देता है। आप चाहो तो आप घर पे भी मूंग दाल का पाउडर बना सकते हो, लेकिन अगर आप ऐसे कोई जगह पे हो जैसे हॉस्टल, पीजी या फिर ऐसे कोई जगह पे हो जहाँ पे कि आप मूंग दाल का पाउडर नहीं कर सकते हो, तो आप दुकान से भी खरीद के ले सकते हो। अगर आपको ऑनलाइन ग्रीन ग्राम पाउडर यानी मूंग दाल का पाउडर चाहिए तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हो, वहाँ पर मैंने लिंक प्रोवाइड किया है। मूंग दाल में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी पे एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, इसीलिए हमारे स्कैल्प हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है और इसके साथ इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी भी है, तो इसीलिए ये डैंड्रफ को भी हटाने में बहुत हद तक हेल्प करता है। इसके साथ इसमें है प्रोटीन और विटामिन ए और सी, जिससे कि हमारा स्कैल्प हेल्थ एज वेल एज हेयर हेल्थ अच्छा होता है। तो जो मॉइस्चराइजिंग एजेंट के बारे में मैंने बोला था वो है एलोवेरा जेल। तो यहाँ पे मैं मामा अर्थ का यूज़ करने वाली हूँ। मैं आपको ये बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगी, ये उतना कुछ खास नहीं है। अगर आपके पास कुछ भी ना हो तो आप घर से एलोवेरा लेकर आप उसका जेल निकाल सकते हो। मैंने एक वीडियो पर आपको बहुत ही ईजी वे से दिखाया है कि कैसे आप एलोवेरा जेल निकाल सकते हो। तो एलोवेरा एक बहुत अच्छा नेचुरल कंडीशनर है और बाल और स्कैल्प को मॉइस्चराइज भी करता है, उसके साथ बाल को सॉफ्ट भी करता है। तो चलो अब इस शैम्पू को बनाते हैं। मैंने करीबन 4 चम्मच मूंग दाल पाउडर ले लिया है, अगर आप चाहो तो और भी आप 2 चम्मच डाल सकते हो। और उसके बाद मैंने ये एलोवेरा जेल करीबन 1.5 चम्मच तक ले लिया है और उसके बाद मैं उसको अच्छे से मिक्स करूँगी और बाद में मैं डालूँगी इसमें दही। अब अगर आप दही यूज़ ना करना चाहो तो मैंने लास्ट वीडियो पर भी बताया है, आप बटर मिल्क यूज़ कर सकते हो। बटर मिल्क बहुत अच्छा है हमारे स्कैल्प के लिए, जब आप यूज़ करोगे तभी आप जानोगे। लेकिन जो लोग हॉस्टल पे होते हैं उनके लिए बटर मिल्क लेना मुश्किल है, तो इसीलिए मैंने दही बता दिया। और एक बात, दही के ऊपर में एक पानी आ जाता है, देखना, आप वो पानी भी ले सकते हो। और अभी आपको क्या करना है, अभी आपको बहुत अच्छे से मिला देना है। मैंने दही का आपको क्वान्टिटी नहीं बताया क्योंकि क्या होता है, कंसिस्टेंसी के अनुसार आप ले सकते हो। और इस मोमेंट में अगर आपको लगे कि बहुत ज़्यादा रनी हो गया है तो आप थोड़ा सा मूंग दाल पाउडर ले सकते हो, और अगर आपको लगे कि बहुत ज़्यादा गड्ढा बन गया है तो आप क्या यूज़ कर सकते हो, आपको पता ही है, आप थोड़ा सा दही ले सकते हो। अगर आपको दही नहीं लेना है तब आप थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हो या फिर रोज़ वाटर भी ऐड कर सकते हो। रोज़ वाटर भी हमारे बालों को हाइड्रेशन पहुँचाता है और बहुत अच्छा एक नेचुरल फ्रैग्रेंस भी छोड़ता है। अगर आप चाहते हो कि नेचुरल रोज़ वाटर कैसे बनाओगे बालों के लिए और स्किन के लिए, तो कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूँगी कि बहुत जल्द आपको वीडियो दे पाऊँ। तो देखो हमारा नेचुरल क्लेंजर बन गया है, अब हम इसको लगाएंगे। उसके पहले आप एलर्जी टेस्ट कर लेना। और ये जो पर्टिकुलर शैम्पू है इसको मैंने एक रूटीन पे भी यूज़ किया था, ये है मेरा रूटीन का चीज़, इसमें सारा होममेड है। तो आपने देखा है कितना इजी है बनाना और इसमें से कुछ चीज़ मैंडेटरी भी नहीं है, आप दूसरा सब्स्टिट्यूट भी यूज़ कर सकते हो। तो कल मैंने मेरे बालों को प्रीपू कर लिया था, अगर आप चाहते हो कि आप प्रीपू नहीं करोगे तो आप नहीं करने से भी चलेगा, लेकिन ये जो शैम्पू है पर्टिकुलर ये थोड़ा सा ड्राई कर देता है बालों को, तो इससे बेटर है कि पहले आप थोड़ा सा ऑयल लगा लें बालों पर। और अगर आप नहीं करना चाहते हो तो आपको बाद में बहुत अच्छा वाला एक मॉइस्चराइजिंग डीप कंडीशनर आपको लगाना पड़ेगा। सो ये है वो शैम्पू जिसे आज मैं लगाने वाली हूँ। इसे मैंने बनाया है मूंग दाल के पाउडर के साथ, ये एक नेचुरल क्लेंजर है। तो शैम्पू का मेन काम होता है कि स्कैल्प को क्लेंज करना, तो मैं स्कैल्प पे पहले लगाऊंगी। बाल को पहले पानी से इसीलिए धो दिया क्योंकि इजी होता है एप्लीकेशन में, और उसके साथ पानी से भी थोड़ा बहुत गंदगी निकल जाता है और उसके बाद बहुत ही आसानी से लग जाता है। अगर ये गट्ठा बन गया आपका तो आप थोड़ा सा इसमें
कर्ड या फिर नॉर्मल पानी भी डाल सकते हो, ये आपके ऊपर है। अगर आप चाहो तो आप कर्ड को भी हटा सकते हो अपने इस पैक से, मतलब इस शैम्पू से, सॉरी पैक नहीं शैम्पू। और इसे हमें ज़्यादा देर नहीं रखना बालों पे, मतलब आधा एक घंटे के लिए नहीं छोड़ना हमें, फिर ओवर ड्राई हो जाएगा। मैंने पहले भी नेचुरल हेयर क्लेंजर पे वीडियो बनाया है, अगर आप चाहो तो आप चेक कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारा वीडियो के लिंक दे दूंगी, आप चेक कर सकते हो। बहुत सारे मैं होममेड चीज़ें बनाती हूँ, जो लोग मुझे नए देख रहे हो उनको लिए बता दो, जो लोग मुझे देखते हो उनको तो पता ही है मैं होम रेमेडीज पे ही जिंदा हूँ। तो आप देख रहे हो मैं जैसे जैसे स्कैल्प पे लगा रही हूँ, मैं हल्का हल्का मसाज भी कर रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहो तो इसमें आप मेथी, शिकाकाई, आंवला ये सब भी आप डाल सकते हो, लेकिन आज मैंने एक बहुत बेसिक वाला बताया है। बाद में जाकर मैं अच्छे से मैं बताऊंगी और भी क्या क्या आप इसके साथ यूज कर सकते हो, जिससे कि आपके हेयर क्लेंस हो जाएगा और बालों का ओवरऑल हेल्थ के लिए भी वो अच्छा होगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मेरे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, है ना। तो ये जो एंड्स है, मुझे हर कोई पूछते कि क्या हम यहाँ पे ये लगाए, आप लगा सकते हो, कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं लास्ट में जो रहता है उसे मैं ऐसे ले लेती हूँ, एंड देन आपको 5 मिनट इसको मसाज करना है, कुछ नहीं, 5 मिनट ही बस। बहुत हल्के हाथ से और फिंगर टिप से करिए, हर वक्त बोलती हूँ फिंगर टिप्स यूज करना, हर वक्त बोलती हूँ, तो फिंगर टिप्स से प्लीज यूज करें हल्के से। चाहो तो आप अपसाइड डाउन करके भी आप कर सकते हो, लाइक दिस, ऐसे। पहले के जमाने में ऐसे सारी चीजें यूज किया जाता था हेयर वॉश के लिए। अगर आप के घर पे दादी नानी है, आप उनसे पूछ सकते हो, आपको यही बोलेंगे खिरीठा, आंवला, शिकाकाई यही सब हम यूज़ करते थे। मेरी मम्मी तो शिकाकाई सोप ही यूज़ करती थी और वो उसी सोप से वो बाल भी धोती थी। मुझे नहीं पता वो कैसा था, बट वो बाज़ार से लाकर वो यूज़ करती थी, लेकिन नानी तो आंवला, शिकाकाई यही सब यूज़ करती थी, वो मुझे बताती रहती है। तो ये वाला जो पार्ट है ना, यहाँ पे भी हल्का हल्का करो, क्योंकि हम मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं, लेकिन ये जो पार्ट है इसको हम भूल जाते हैं, ये पार्ट। और एक पार्ट है, बताती हूँ कौन सा, वो है ये। थोड़ा सा आप स्प्रे कर सकते हो पानी, क्योंकि मेरा बाल देखो करते करते थोड़ा ड्राई हो गया है। मैं हर वक्त आपको स्ट्रेस आउट करती हूँ कि हल्का सा मसाज करना, इससे क्या होता है ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है और बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। हम मोस्ट ऑफ द टाइम ना जो चीज़ है जो कि हम घर पे कर सकते हैं, वो चीज़ को हम नज़रअंदाज करके हम बोलते हैं कि नहीं नहीं हमें ये बताओ वो बताओ ये बताओ। जो चीज़ आप घर पे इजीली उसे रिजॉल्व कर सकते हो, उसके लिए आपको मैकेनिक की क्या ज़रूरत है, पॉइंट है ना। अगर आप घर पे मूंग दाल का पाउडर बनाते हो तो उसको पहले बहुत अच्छे से धूप में सुखा लेना, और उसके बाद आप पाउडर करके फिर से फिल्टर करना, नहीं तो उसके जो पार्टिकल्स है वो आपके बालों पे रह जाएंगे। यहाँ पे धूप बिल्कुल भी नहीं निकल रहा है, तो इसीलिए मैंने बाजार से लाया अभी और उसको मैंने यूज़ किया, लेकिन मैं घर पे ही बनाती हूँ, जब धूप निकलता है तब मैं उसे ड्राई कर लेती हूँ। मेरे घर पे इतना अच्छा धूप अभी तो आ नहीं रहा है बिकॉज ऑफ बारिश। तो देखो मेरे पूरे बाल पे लग गया है। आप चाहो तो अभी आप 5 मिनट बैठ सकते हो, ठीक है, बैठे बैठे बात ही कर लो मेरे से। तो कैसे आप लोग सब बताओ मुझे, ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग रख भी सकते हो नहीं भी रख सकते हो, मैं जस्ट आपको मतलब अगर मैं नहीं दिखाती हूँ ना कि मैं 5 मिनट नहीं रख रही हूँ, तो आप लोग मुझे क्वेश्चन करते हो कि 5 मिनट रखना है या नहीं, बताओ। तो अभी 5-10 मिनट के लिए आप ये जो क्लेंजर है इसको रख सकते हो, जैसे शैम्पू लगा के भी हम 2-3 मिनट ऐसे रुक जाते हैं ना, वैसे ही ठीक इसको थोड़ा देर रहने दो, और उसके बाद आप पानी से वॉश करो। पानी से वॉश करते वक्त आपको अपसाइड डाउन करके वॉश करना है, ताकि जो गंदगी है ये आराम से निकल आ जा पाए। तो ठीक है, चलो मैं अभी आपको मिलती हूँ वॉशरूम पे। सो देखो मैं अपसाइड डाउन करके अभी वॉश करूँगी, पानी यहाँ पे गिरेगा मेरा, और मैं धीरे धीरे हल्का हल्का मसाज करूँगी, और फिर मैं ये जो मैंने क्लेंजर लगाया है इसे मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी मेरे बाल से। तो बाल को वॉश करने के लिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा पानी का ज़रूरत पड़ेगा, तो पहले से आप चेक कर लेना कि घर पे पानी ज़्यादा है या नहीं। अगर आपके घर पे थोड़ा कम पानी हो तो आप उस दिन ही वाला शैम्पू ना यूज़ करना। तो ये एक एक्स्ट्रा टिप्स मैंने बता दिया है, क्योंकि आप लोग क्या करते हो, थोड़ा सा पानी से बाल धोते हो और उसके बाद थोड़ा पार्टिकल रह जाता है तो आप लोग मुझे बोलते हो, लेकिन ऐसा नहीं करना। तो आप में से किसी किसे लगा है कि मेरे बालों का लेंथ बढ़ गया है, प्लीज मुझे कमेंट करके बताना। आप लोग से मुझे कुछ लोग हो जो मुझे 2 साल से देख रहे हो लास्ट, तो आप में से तो पता ही होगा मेरे बालों का लेंथ कितना बड़ा है, लेकिन फिर भी आप लोग मुझे बताना आप लोगों को क्या फील होता है। तो क्लेंजर से हेयर वॉश हो गया है, इसके बाद में मैं लगा रही हूँ डीप कंडीशनर। आप कोई भी डीप कंडीशनर लगा सकते हो, आप होममेड भी लगा सकते हो, बाजार से लाया हुआ भी लगा सकते हो, लेकिन क्योंकि मैं एक रूटीन अभी कर रही हूँ, जिस रूटीन पे मैं अभी यूज़ करने वाली हूँ अभी बनाना स्पिनच हेयर पैक, मतलब केले और पालक का हेयर पैक, पालक पनीर नहीं,
पालक केला हेयर पैक, ठीक है। तो मैं वो जो हेयर पैक का वीडियो है वो मैं दूसरे वीडियो पे शेयर करूंगी। अब देख लीजिए आपकी मेरा ओवरऑल रिजल्ट कैसा आया। टन टन आन आ गई हूँ मैं रिजल्ट के साथ। और इस रूटीन में मैंने कोई भी बाजार से लाया वाला प्रोडक्ट यूज नहीं किया था, मतलब बाजार से कुछ पाउडर आउडर लाया था जैसे मूंग दाल पाउडर वो सारा, लेकिन मैंने कोई भी बाजार से लाया वाला कंडीशनर या फिर शैम्पू या फिर स्प्रे या फिर लीव इन ऐसा कुछ भी मैंने यूज नहीं किया था, सब कुछ घर पे बनाया था। तो मैं अपने बालों पे ज़्यादा से ज़्यादा होममेड चीज़ें ही लगाती हूँ। घर पे मैं तेल बनाती हूँ, घर पे मैं शैम्पू बनाती हूँ, घर पे मैं हेयर रिंग्स बनाती हूँ, और इससे मुझे अच्छा रिजल्ट भी मिलता है। और इसीलिए मैं सोचती हूँ कि जो चीज़ मुझे 100 रुपये में मिल रहा है मैं क्यों खाली पीली 600-700 रुपया दे दूँ। तो मैं इस वजह से सोचती हूँ, लेकिन मैं ये कभी भी आपको नहीं बोलती हूँ कि आप बाज़ार से चीज़ें ना खरीदो। देखो लाइफ में ना आपकी मर्जी होना चाहिए, आपके अनुसार ही आपका लाइफ चलना चाहिए। मैं बस मेरा जो रूटीन है, मेरा जो रिज़ल्ट है, ये आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर आप चाहो तो ही आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो मेरा रिज़ल्ट आया था कुछ ऐसा। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो पे विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन आप लिए कुछ खाई देन रही फिट एंड ऑल्सो की ब्लोइंग। बाय बाय लवली 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 फ्रेंड्स। बाय बाय।